अस्सलाम वालेकुम. अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था, बल्कि मीडिया सब जगह पे चल रहा था कि नवाज शरीफ का वीजा मुस्तरद हो गया, वो जल्द भी पाकिस्तान में होंगे. तो जितनी भी इस पे रिसर्च है वो भी पाकिस्तान नहीं आ रहे, और अभी एक डेढ़ साल वो और वहाँ पे रह सकते हैं. और बाकी जो उनके लिए सरदर्द चीज बनने वाली है वो एडमिशन जो है जो हुई थी रेड लिस्ट से निकालने के लिए पाकिस्तान की, यूके ने डाली थी अपनी वेबसाइट पे कि इसको साइन करो कि पाकिस्तान को वाकई रेड लिस्ट में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए. तो जिसके पास यूके सिटीजनशिप थी उसको साइन करना था उसको, और 1 लाख से अगर ज्यादा वहां पे वोट आते तो फिर यूके की पार्लियामेंट में वहां पे इस पे वो देख सकते थे कि इसको वाकई इस चीज पे पाकिस्तान को निकालना चाहिए या नहीं. फिर उनकी पार्लियामेंट में इसको देखा जाता है इस चीज को. तो वहां पे 1 लाख से ज्यादा हुए थे, वहां पे पार्लियामेंट में उनकी वो हो रही है बात उस पर, और उन्होंने हमारी गवर्नमेंट से भी कॉन्टेक्ट किया. तो जो उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उन्होंने लिए हैं और सारा कुछ, तो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान रेड लिस्ट से तो निकल जाएगा. लेकिन समझ नहीं आती पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा कैसे था जब इंडिया को निकाल दिया. तो खैर इस बात को छोड़ो, जो असली बात है तो अब ऐसी ही पटिशन एक नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाली है, और ये 1 महीने में वहां पे हो जाएगी इसका सारा कुछ तो स्टार्ट हो जाएगी है. तो ये भी वो साइन कर सकेंगे जो यूके के सिटीजन होंगे और जिनके पास उनकी सिटीजनशिप होगी, और 1 लाख से ज्यादा अगर इस पे वोट आते हैं तो फिर ये बेसिकली ये हो गई है कि नवाज शरीफ जो है वो इश्तेहार लिया यहाँ से भागा हुआ है, पैसे लूट के भागा हुआ है, और उसको मैं मुल्क में वापस भेजो. तो जितनी रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि 1 लाख से बहुत आगे तक ये चीज क्रॉस करेगी, क्योंकि यूके में बहुत पाकिस्तानी आवाम बैठी हुई है और काफी लोगों के पास यूके की सिटीजनशिप है. तो यहाँ ये 1 लाख से तो बहुत क्रॉस करने वाली है ये चीज. और ये जो चीज है ये नवाज शरीफ के लिए सरदर्द बन सकती है, और ये 1 महीने में इस पे शुरू हो जाएगा. 1 महीने, एक ज्यादा से ज्यादा 1 महीने इस पे लगेगा. बाकी नवाज शरीफ के बुरे दिन तो शुरू हो ही चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर इस पटिशन का भी कुछ ना हुआ, लेकिन इसका होगा फिर अगर 1 लाख से ज्यादा इसकी भर जाते हैं वोट, तो यूके अपनी पार्लियामेंट में बैठ के इस पर बात करेगी और देखेगी कि कैसे क्या सच है क्या नहीं है, सारी रिसर्च जो सारा कुछ होगा. फिर लेकिन जो वहां की है यूके की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे उसने अल्ताफ हुसैन को बचाई रखा है, जैसे उसने उस इश्तिहारी को वहां पर रखी रखा है, तो ऐसे ही वही अभी नवाज शरीफ की हेल्प कर रही है. लेकिन 1 साल से ज्यादा कब तक खैर मनाएगा नवाज शरीफ, एक ना एक दिन तो उसने आना ही है पाकिस्तान. तो अभी वैसे अभी इमरान खान साहब का भी दौरा होने वाला है यूके का, उनके प्राइम मिनिस्टर से मिलना है. तो उसके बाद जो बातें वहां पे होती है, वैसे बेसिक तो यही ज्यादा यही चांसेस है नवाज शरीफ को, उन्होंने डिपोर्ट का कहना है. तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में होगा, लेकिन अभी 1 साल लगेगा उसे आने में. मतलब एक ये बात समझ नहीं आती, एक आपको वो वहां के लोग आपको निकाल रहे हैं, वहां पे आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है, और फिर भी आप उधर बैठे हुए एक मुल्क आपको कह रहे हैं मेरे मुल्क से निकलो, लेकिन बेशर्मों की तरह फिर भी वही बैठे हुए. और फिर आपके जो बुजुर्ग आए हैं आपकी तरह जाहिल नालायक, और टीवी पे आके कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं जाएगा नवाज शरीफ, बाकी कहीं भी चला जाएगा. कब तक खैर मनाओगे, कब तक खैर मनाओगे, अगले 4 साल भी इमरान खान ही आ रहे, कब तक खैर मनाओगे, कब तक भागोगे. खैर जब तक भाग सकते हो भागो, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 साल ही भागोगे, बाकी आना तुम्हें पाकिस्तान में ही और सजा तुम्हें यहाँ पर मिलेगी इस जेल. और फिर देखेंगे कि एयरपोर्ट से नवाज शरीफ जाते हैं डियाला जेल या फिर किधर जाते हैं, फिर यहाँ पे कौन कामयाब होता है. तो फिलहाल तो 1-1.5 साल है, उसके बाद भी अगर वहां की एस्टेब्लिशमेंट उसको बचाने में कामयाब रहती है, सो फिर जिसने उसको यहाँ से बाहर भेजा है, जिस पार्टी ने, जो पार्टी यहाँ पे इकतदार में थी, फिर उनसे ही सवाल होंगे कि आपने ही हमें इनको सारा एक्सपोज किया और आपने ही आपकी गवर्नमेंट में ये बाहर रही है. तो फिर ये एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी. बाकी इस वीडियो को करते हैं एंड.